टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, ठोसों के प्रक्षेप। और आज जो तारीख है वो 6 जनवरी को हम आज टॉपिक को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ठोस क्या होते हैं, हमें जब तक ये नहीं पता होगा तब तक उसके प्रक्षेप बनाना कठिन होगा। इसके लिए ठोसों को पढ़ना आवश्यक है, व्हाट आर द सॉलिड्स। परिभाषित करें अगर तो ठोस थ्री डायमेंशनल फिगर्स आर कॉल्ड द सॉलिड हैविंग लेंथ विड्थ एंड हाइट एज क्यूब प्रिज्म पिरामिड सिलेंडर कोन एटसेट्रा। हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं, तीन विमाओं वाली रचनाओं को ठोस कहते हैं जिनमें लंबाई चौड़ाई मोटाई अथवा गहराई हो, जैसे प्रिज्म पिरामिड बेलन शंकु आदि। इस प्रकार से जो ठोस है इसकी परिभाषा के बाद हम इसको आगे क्लासिफाई करें तो ठोस दो प्रकार के हैं। पहला पॉलीहेड्रल्स जिसको बहुफलकीय ठोस कहते हैं, दूसरा रिवेलिएशन ऑफ सॉलिड्स या चक्रीय ठोस इनको कहते हैं, चक्रीय ठोस अथवा रिवेलिएशन ऑफ सॉलिड्स। पॉलीहेड्रल्स या बहुफलकीय ठोस जो होते हैं ये दो प्रकार के हैं, रेगुलर पॉलीहेड्रल्स और इरेगुलर पॉलीहेड्रल्स। रेगुलर माने जिनकी फलक समान साइज की हो, एक ही जैसी हो, ऐसे पॉलीहेड्रल्स रेगुलर पॉलीहेड्रल्स कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के हैं। पहला टेट्राहेड्रल, हिंदी में इसको चतुष्फलक बोलते हैं, और चतुष्फलक में 4 समान त्रिभुजाकार फेस फलक होते हैं। फेस को मैंने हिंदी में लिख दिया है, फेस इज इक्वल टू फलक। दूसरा हेक्साहेड्रल जिसको कि हम क्यूब के नाम से भी जानते हैं, क्यूब या घन हिंदी में बोलते हैं, जिसमें 6 समान वर्गाकार फलक या फेस होते हैं, स्क्वायर मीन्स वर्गाकार। तीसरा है ऑक्टाहेड्रन अष्टफलकीय ठोस, 8 समान त्रिभुजाकार फलक जिन ठोसों में होते हैं उनको ऑक्टाहेड्रन बोलते हैं। इसके बाद चौथा है डूडेकाहेड्रन, डूडेका मीन्स द्वादश फलकीय ठोस, यानी ऐसे ठोस जिसमें 12 समान पंचभुजाकार फेस या फलक होते हैं, ये डूडेकाहेड्रन होते हैं। और लास्ट है आइकोसाहेड्रन विषम फलकीय ठोस, यानी 20 समान त्रिभुजाकार जिसमें फेस होते हैं, इस प्रकार के ठोस को विषम फलकीय ठोस कहते हैं। ये रेगुलर पॉलीहेड्रल्स हो गए। अब इरेगुलर पॉलीहेड्रल्स में 2 प्रकार के हैं, प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म को हिंदी में घनाभ और पिरामिड को स्तूप कहते हैं। इसके उपरांत रिवेलिएशन ऑफ सॉलिड्स 3 प्रकार के हैं, सिलेंडर कोन और स्फीयर। सिलेंडर मीन्स बेलन, कोन मीन्स शंकु और स्फीयर मीन्स गोला। इस प्रकार से ये टोटल जो सॉलिड्स हैं इनको भिन्न भिन्न प्रकार के किस प्रकार से पढ़ेंगे ये अब मैंने आपको बताया। इसमें से टेट्राहेड्रन, हेक्साहेड्रन या क्यूब, प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर और कोन, ये सभी आपके सिलेबस में हैं। इन्हीं से संबंधित प्रश्न आपको हल करने के लिए आते हैं। आगे अब मैं इनको किस प्रकार से पार्ट्स हैं वो आपको समझाऊंगा, आगे बढ़ा दो उसको। इसके बाद सबसे पहला टेट्राहेड्रन या चतुष्फलक के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ये एक टेट्राहेड्रन बनाया हुआ है जिसमें 4 समान त्रिभुजाकार फलक हैं। पहला फलक ये है, दूसरा फलक ये है, तीसरा फलक इधर है और चौथा फलक के बीच में दिया हुआ है। इसकी ये एक्सिस है और एक्सिस का शीर्ष बिंदु एपेक्स या शीर्ष कहलाता है।
एपेक्स या शीर्ष कहलाता है और ये इसकी एक्सिस हो जाएगी और ये इसका आधार हो जाएगा और ये इसका फेस हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें जो कंडीशन रहती है सदैव एक्सिस परपेंडिकुलर टू बेस यानी अक्ष सदैव आधार से लंबवत होती है और फेस या बेस किस प्रकार का होता है, फेस या बेस फोर इक्वल ट्राइंगुलर फेस यानी जो फेस या बेस होंगे ये सभी समान त्रिभुजाकार आकृति के होंगे। इसके बाद दूसरा है क्यूब, इसको हम हेक्साहेड्रन या घन भी कहते हैं। ये क्यूब इस प्रकार से है, ऊपर से वर्गाकार, सामने से वर्गाकार, साइड से वर्गाकार, ये पीछे से वर्गाकार, ये लेफ्ट हैंड साइड से वर्गाकार और नीचे से भी वर्गाकार। इस प्रकार से छह समान वर्गाकार फलक इस हेक्साहेड्रन या घन में होते हैं। इसमें भी एक्सिस परपेंडिकुलर टू बेस होती है, अक्ष सदैव आधार से लंबवत होती है और फेस छह समान स्क्वायर फेसेस के रूप में होते हैं। उसी में से जो बेस है ये बेस या टॉप कहलाता है, बाकी सारे के सारे फेसेस कहलाते हैं, ये सभी समान वर्गाकार होते हैं। तीसरा है प्रिज्म, जिसको घनाभ भी कहते हैं। ये स्क्वायर प्रिज्म बनाया है, वर्गाकार सॉरी रेक्टेंगुलर प्रिज्म बनाया है। इसमें ये जो आधार है इसका रेक्टेंगुलर है और ये इसकी एक्सिस है, ये इसका टॉप है, ये इसका बेस है, ये इसका फेस हो जाएगा, ये इसकी साइड ऑफ फेस हो जाएगी, साइड ऑफ कोर ऑफ फेस हो जाएगी और ये साइड ऑफ बेस हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें भी एक्सिस सदैव बेस से लंबवत होती है, अक्ष जो होगी ये अक्ष इस आधार से सदैव लंबवत होगी। दूसरा इसका जो बेस है ये आधार है, ये त्रिभुजाकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, पेंटागनल पंचभुजाकार हो सकता है, रेक्टेंगुलर आयताकार हो सकता है, हेक्सागनल यानी षटभुजाकार हो सकता है, आदि आकृति का हो सकता है। और जिस आकृति का इसका बेस होता है, आधार होता है, उसी के नाम पर इस प्रिज्म का नामकरण किया जाता है। जैसे कि ये आयताकार इसका आधार है तब इसको आयताकार प्रिज्म कहेंगे, रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहेंगे। अगर इसका आधार त्रिभुजाकार होगा तब उस समय इसको त्रिभुजाकार प्रिज्म कहेंगे, ट्राइंगुलर प्रिज्म कहेंगे। मान लीजिए पंचभुजाकार इसका आधार है तब उसको पंचभुजाकार प्रिज्म कहेंगे। इस प्रकार से जो आकृति हमारे आधार की होती है उसी के अनुरूप इसका नामकरण प्रिज्म का किया जाता है। इसके सभी जो फेस होते हैं, फलक होते हैं, ये सदैव अक्ष से समानांतर एवं आयताकार होते हैं। ऑल फेसेस रेक्टेंगुलर एंड पैरेलल टू एक्सिस, अक्ष से समानांतर और आयताकार होते हैं। नेक्स्ट है पिरामिड, पिरामिड जो होता है टू बोलते हैं, ये भी एक आयताकार पिरामिड बनाया हुआ है। इसका ये जो सिरा है अक्ष का सबसे ऊपरी सिरा, इसको शीर्ष या एपेक्स बोलते हैं और इसके सभी ये फेस है, ये इसकी कोर ऑफ फेस है, ये इसकी एक्सिस है, यहां पर ये इसकी साइड ऑफ बेस है और ये नीचे आधार है, बेस यानी आधार। इसमें भी एक्सिस सदैव आधार से लंबवत होती है, आधार और एक्सिस प्रत्येक ठोस में आपस में लंबवत होते हैं और इसके बेस ट्राइंगुलर स्क्वायर रेक्टेंगुलर पेंटागनल हेक्सागनल एक्सेट्रा आदि आदि शेप के हो सकते हैं। जिस आकृति का इसका आधार होगा उसी आकृति के अनुरूप इसका नामकरण किया जाएगा। जैसे कि ये आयताकार हमारा इसका आधार है तब इसको आयताकार पिरामिड बोलेंगे, जैसे प्रिज्म में नामकरण कर रहे थे उसी प्रकार से इसका भी आधार जिस आकृति का होगा उसी आकृति के अनुरूप इसका नामकरण किया जाएगा। मान लीजिए आधार षटभुजाकार है तब इसको षटभुजाकार पिरामिड बोलेंगे। पिरामिड को जो फेस होते हैं ये सभी फेस त्रिभुजाकार होते हैं, ऑल फेसेस ट्राइंगुलर, हम इसको सभी फेसेस में त्रिभुजाकार पाते हैं। नेक्स्ट है सिलेंडर या बेलन, बेलन का ये टॉप है,
ऊपरी और ये बेस है, ये टॉप और बेस सदैव समानांतर और वृत्ताकार होते हैं। ये टॉप इसका केंद्र, ये बेस इसका केंद्र, इसको मिलाने वाली रेखा को एक्सिस या अक्ष कहते हैं। और आधार अभी आप देखेंगे सिलेंडर, सिलेंडर या बेलन, इसमें ये ऊपरी आधार और ये निचला आधार, ये दोनों टॉप और बेस सदैव आपस में समानांतर होते हैं और वृत्ताकार होते हैं। ऊपरी आधार और निचले आधार के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को एक्सिस या अक्ष कहते हैं, जबकि इसकी परिधि बिंदु के किसी बिंदु से अक्ष के समानांतर आधार के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जनित्र या जेनरेटर कहते हैं। इस प्रकार से इसमें भी अक्ष सदैव आधार से लंबवत होती है और बेस हमेशा टॉप के ऊपरी आधार के समानांतर होगा और सर्कुलर होगा। नेक्स्ट है शंकु या कोण। कोण में ये जो आधार होता है ये वृत्ताकार होता है और इसके केंद्र से जो ऊपरी सिरा मिलता है अक्ष का, ये सिरा एपेक्स या शीर्ष बिंदु कहलाता है, एवं शीर्ष बिंदु को आधार से मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको एक्सिस या अक्ष कहते हैं। और शीर्ष से आधार की परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जनित्र या जेनरेटर कहते हैं। इसमें भी अक्ष सदैव आधार से लंबवत होती है, आधार सदैव सर्कुलर या वृत्ताकार होता है, जबकि इसको सामने से देखा जाए तो इसका एलिवेशन सदैव त्रिभुजाकार प्राप्त होगा, जबकि बेलन का एलिवेशन सदैव आयताकार प्राप्त होगा। इस प्रकार से प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर, कोण और क्यूब और टेट्राहेड्रन, इन सभी को मैंने विस्तार से आपको समझाया, इसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं, क्या क्या चीज कहां पर इसमें फॉर्म है, ये बताया। ये जितने भी ठोस आपने पढ़े इनकी दो स्थितियां, दो स्टेट्स होती हैं, एक फ्रस्टम और दूसरी ट्रंकेशन। माने इन सभी ठोस को अक्ष से लंबवत एवं आधार से समानांतर या इंक्लाइंड जब कट किया जाता है तब इन स्थितियों को छिन्नक कहते हैं। यदि अक्ष के लंबवत और आधार से समानांतर कट किया जाए किसी ठोस को तब उसको छिन्नक बोलेंगे, और अक्ष के लंबवत और आधार से इंक्लाइंड या तिरछा काट किया जाए तब उसको नत छिन्नक बोलेंगे। यहाँ पर आधार से समानांतर कट करके दिखाया है, ये छिन्नक है, और यहाँ पर आधार से इंक्लाइन या फिर तिरछा कट किया है, इसलिए इसको नत छिन्नक या ट्रंकेशन कहेंगे। जो नीचे अवशेष ठोस की स्थिति बची है इन स्थितियों को छिन्नक या नत छिन्नक कहते हैं। ये मैंने आयताकार पिरामिड की बनाई है। इसी प्रकार से आप प्रत्येक ठोस को भी आधार से समानांतर या आधार से तिरछा कट करके छिन्नक और नत छिन्नक बना सकते हैं। इसके बाद में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अभी इन ठोस के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अर्थात लंबकोणीय प्रक्षेप बनाकर देखेंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ सिंपल सॉलिड्स, जो ठोस अभी आपने पढ़े हैं इन ठोसों के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी लंबकोणीय प्रक्षेप बनाकर देखेंगे। ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखने पर जो आकृति दिखती है, मान लीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से देखेंगे तो जो व्यू दिखेगा उसको ऑब्जेक्ट का प्लान कहेंगे, और इसको सामने से जब देखेंगे तो इसको ऑब्जेक्ट का एलिवेशन कहेंगे। राइट हैंड साइड से दिखने वाले व्यू को राइट हैंड साइड व्यू और लेफ्ट हैंड साइड से दिखने वाले व्यू को लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहेंगे। इस प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से, सामने से और साइड से देखकर जब प्रक्षेप बनाए जाते हैं तब उनको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या लंबकोणीय प्रक्षेप कहते हैं। प्रथम कोण
और तृतीय कोण में मैंने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जब पढ़ाया था तब आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन डिटेल में समझाया था। अभी एक एग्जाम्पल फर्स्ट एंगल और एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम क्यूब की बना करके एक्सप्लेन करेंगे, बाकी सबको थर्ड एंगल बना करके आपको समझाएंगे। ये एक क्यूब लिया जिसमें लंबाई 50, चौड़ाई 50 और ऊंचाई 50 एमएम दी हुई है। इसको जब आप ऊपर से देखते हैं तो प्लान दिखाई देगा, माने ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, और सामने से जब आप देखते हैं तो केवल ये हिस्सा दिखाई देगा, और साइड से देखेंगे तब ये हिस्सा दिखाई देगा जो कि ब्लैंक खाली छोड़ दिया गया। अब आपने ऊपर से जब देखा तो 50 और ये भी 50, 50 बाई 50 का प्लान दिखाई देगा, और फर्स्ट एंगल में एक्स वाई लाइन से नीचे प्लान बनाया जाता है और एक्स वाई लाइन के ऊपर एलिवेशन बनाया जाता है, तो ये प्लान हो जाएगा 50x50 का, और इसके ऊपर इसके प्रक्षेप में जाकर 50x50 का फ्रंट व्यू बनाएंगे, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जो राइट हैंड साइड भी होगा उसको सेलेक्ट एलिवेशन से लेफ्ट हैंड में बनाया जाएगा, तो राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड में 50x50 का एक फिर वर्गाकार आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से प्लान को टॉप भी बोलेंगे, एलिवेशन जिसको फ्रंट भी बोलेंगे, और ये राइट हैंड साइड भी आपको फर्स्ट एंगल में प्राप्त होंगे। अब इसी को यदि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अनुसार बनाते हैं तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको जानकारी होगी प्लान एक्स वाई लाइन के ऊपर एलिवेशन एक्स वाई लाइन के नीचे प्राप्त होता है, और राइट हैंड साइड टू राइट हैंड में एलिवेशन के और लेफ्ट हैंड साइड टू एलिवेशन के लेफ्ट हैंड में बनता है। तो ऊपर से जब आपने देखा तो 50x50 का ये प्लान बन जाएगा, सामने से देखा तो 50x50 का ये एलिवेशन बन जाएगा, और साइड से जब देखेंगे तो 50x50 का ये साइड बन जाएगा। ये प्लान, ये एलिवेशन और ये साइड व्यू राइट हैंड साइड व्यू आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर आप इस ऑब्जेक्ट क्यू के घन के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्राप्त करते हैं। इसी के पश्चात दूसरा एक घनाभ या प्रिज्म ले लिया, इसकी लंबाई 50, चौड़ाई 30, ये 30 mm दिया हुआ है और ये ऊंचाई इसकी 80 mm है, तो इसके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जब बनाएंगे तो ऊपर से देखेंगे तो ये प्लान में दिखेगा, इनको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाएंगे, प्लान में 50x30 का एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, और सामने से देखने पर 50x80 का ये रेक्टेंगल दिखाई देगा, और साइड से जब देखेंगे तो 30x80 का ये रेक्टेंगल दिखाई देगा। इस प्रकार से प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू इस प्रिज्म के हमको इस प्रकार प्राप्त हो जाएंगे। तीसरा, अगर हम कोई पिरामिड ले, एक ये रेक्टेंगुलर पिरामिड लिया जिसका की लंबाई 50 mm, चौड़ाई 30 mm और ऊंचाई फिर 80 mm, अक्ष की ऊंचाई 80 mm है, तब जब आपने ऊपर से देखा तो जब आप ऊपर से इसको देख रहे हैं तो ये 50x30 का रेक्टेंगल दिखाई देगा, और ये चूंकि सभी फेसेस कोर मिलती हुई ऊपर एपेक्स पे है तो ये शीर्ष एपेक्स हो जाएगा, और इस प्रकार से इसको मिला देंगे, ये सामने से देखने पर 50x80 mm ऊंची अक्ष का त्रिभुजाकार फलक सामने वाला फ्रंट व्यू, और ये साइड वाला 30x80 mm ऊंची अक्ष का ये साइड व्यू कहलाएगा। इस प्रकार से ये प्लान, ये एलिवेशन, तो प्लान, ये एलिवेशन और ये साइड व्यू कहलाएंगे। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और वो सिलेंडर का ले लेते हैं। सिलेंडर में ऊपरी हमारा जो डायमीटर है ये 50 mm डाया, 50 का डाया दिया हुआ है, और अक्ष की ऊंचाई 80 mm दी हुई है। ऊपर से जब आप देख रहे हैं इसको, इस विलन को, तो इसका जो सिलेंडर का टॉप है ये सर्कुलर दिखाई देगा आपको, 50 mm डाया का। सामने से देखेंगे तो ये चौड़ाई, ये लंबाई और ये ऊंचाई 80 की दिखाई देगी, तो ये 80 mm ऊंचा और 50 mm डाया का आपको रेक्टेंगल दिखाई देगा। और साइड से भी देखेंगे तो सिलेंडर सदैव, बेलन सदैव सामने से या साइड से भी ऐसा दिखता है, तो 50x80 का यहाँ पर फिर दोबारा से कोई रेक्टेंगल दिखाई देगा। इस प्रकार से प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू हम विभिन्न ऑब्जेक्ट को देख करके, ऊपर से, सामने से और साइड से देख करके बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम इसमें कोण का भी बना पाएंगे। कोण के लिए भी हमारे को जो एलिवेशन होंगे वो त्रिभुजाकार दिखाई देंगे, टॉप हमेशा सर्कुलर ही दिखाई देंगे। इस प्रकार से ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का आपके जो सिलेबस के अनुरूप पोर्शन दिया हुआ है वो मैंने आपको कंप्लीट किया।
इसके एग्जाम्पल्स आपकी किताबों में और दिए होंगे, उनको आप उसको देख करके बनाएंगे। थैंक यू। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का कंप्लीट व्यू जिसको आप देख करके बाद में आसानी से समझ पाएंगे, इसको एक कंप्लीट व्यू के तौर पर मैं आपको और बनाकर दे रहा हूं। थैंक यू। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की ये वीडियो जो मैंने आपको समझाई है, यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे इस प्रकार की अन्य वीडियो प्राप्त होती रहें। अगला टॉपिक रहेगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस फ्रॉम गिवन पिक्चोरियल ऑब्जेक्ट्स। थैंक्स।